नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कनाडा और अमेरिका के बाद भारत में भी 2 से 18 साल के एज ग्रुप के लिए भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी SEC ने मंगलवार को 2 से 18 साल उम्र वालों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के सेकेंड और थर्ड ट्रायल की मंजूरी दे दी है। यह ट्रायल एम्स दिल्ली, एम्स पटना, मेडिट्रीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नागपुर में 525 विषयों पर किया जाएगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कमेटी ने मंगलवार को हैदराबाद में भारत बायोटेक के प्रस्ताव पर विचार किया। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट्स कमेटी ने कंपनी को तीसरी फेज के ट्रायल के लिए CDSCO से अनुमति लेने से पहले डेटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड DSMB को दूसरे फेज का सुरक्षा डेटा मुहैया करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 24 फरवरी को हुई बैठक में प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया था और भारत बायोटेक को रिवाइज्ड क्लिनिक ट्रायल प्रोटोकॉल पेश करने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सीन टीके का उपयोग देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए 18+ के लिए किया जा रहा है। इससे पहले सोमवार को ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USFDA ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को इजाजत दी है। अब तक यह वैक्सीन 16 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। इससे पहले कनाडा बच्चों की इस पहली वैक्सीन को इजाजत दे चुका है। ऐसा करने वाला दुनिया का वह पहला देश है। माना जा रहा है कि 12 से 15 साल तक के बच्चों के कोवैक्सीनेशन से अमेरिका में बड़ी संख्या में स्कूल और समर कैंप खुलने का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। We'll be right back.